हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। देखिए आज तो गुलाबी गुलाबी हो रहा है गुलाबी लाल हो रहा है। मैचिंग है आज तो। आज हम लोग जा रहे हैं बुढ़ाना, एक तो प्रीति का फॉर्म जमा करना है और सेकंड ईयर की फीस जमा करनी है और बाकी क्या क्या लाना, सामान भी लाना मार्केट में जाना। देखो रक्षाबंधन मुस्कुराहट तो देख ही रहे होंगे। ये तो खैर मार्केट में जाके पता लगेगा क्या लाना और किस तरह का लाना, कौन सी चीज़ पसंद आवे। और चलिए लाए जा गए, नहीं देखते हैं क्या क्या ला पाओगे। लाना तो ज़रूर है, आज नहीं मिलेगा कल को लाओगे, एक जगह से नहीं मिलेगा दूसरी जगह जाओगे। जब कोई चीज़ लाने की ठान ली तो लानी है तो यही। चल रहे भाई, मास्क तो ले लिया होगा तुमने भी? मास्क ले लिया, चलो बाइक से चलेंगे। बाइक हमारी तैयार है जी चलने के लिए, बाइक पर रेडी हो गए बिल्कुल। कॉलेज में बैठ के पेड़ के नीचे बहुत अच्छी हवा लग रही। और इधर प्रीति का ये बीएड डिपार्टमेंट है और इस तरफ बीए बीकॉम वगैरह की क्लासेस चलती हैं इस बिल्डिंग में। और उधर प्रशासनिक भवन और कार्यालय है, फीस वगैरह जमा होती है जहाँ कार्यालय के कार्य होते हैं उस तरफ। और मेन गेट उस तरफ है जहाँ से हम लोग आए हैं। गर्मी बहुत है यहाँ। जामुन का पेड़ है, बहुत घना पेड़, देखो कितनी बढ़िया छाया इसकी है। यहाँ छाया में बैठे प्यास लग रही थी, पानी निकल रहा, घर से ले गए थे पानी और छाया में बैठ के ही पानी पी रहे। फॉर्म तो जमा हो गया प्रीति का, फीस हालांकि अभी सेकंड ईयर की जमा हुई नहीं, फीस के लिए फिर आना पड़ेगा किसी। सेकंड ईयर का प्रोसीजर फिर होगा। फर्स्ट ईयर की बुक्स भी थी लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी भी नहीं खुल रही आज, वो जमा करनी थी बुक्स भी नहीं जमा हो गई। फ्राइडे से पहले यहाँ से हम लोग जाओगे अब बैंक में और फिर जाना है मार्केट में और कुछ घर का सामान लेना है। और आज सूट भी लेगी शायद प्रीति, रक्षाबंधन आ रही, पिंकी नीरज के लिए सूट भी लेना है। चलो निकल लें, क्या उठा लिया बैग। कितनी बढ़िया घास लगा रखी थी, देखिए पर इसकी कटिंग होनी चाहिए, ऊंची नीची हो गई है घास तो बहुत बढ़िया। गर्मी भी तो ज़्यादा है। ये भी बढ़िया बना रखी है, इंटरलॉकिंग वाले ईंटें बिछा के रास्ता बना रखा है। चलो बढ़िया कॉलेज तो थारा। तो मार्केट में आ गए हम लोग और कुछ राखियाँ यहाँ से पसंद कर लेते हैं पहले। डब्बो वाली बढ़िया है। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, देखो आरुष के लिए ना ये वाली अच्छी लग रही है। सारी मिल गए बन देगी, एक नंदिनी बन देगी, एक आरुषी बन देगी, बच्चे की गोली के लिए भी ले लेंगे। राखियाँ तो हो गई है, चलिए अब सूट भी पसंद कर लेते हैं। इसका दुपट्टा ये जी अच्छा लग रहा है, मुझे दुपट्टा बढ़िया नहीं लग रहा है इसका। ठीक तो लग रहा है, इनका दुपट्टा बढ़िया है देखो इसके मुकाबले, है ना? तुम देखो, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये हरा सही लग रहा। कोई से इस पे इसमें कलर और भी है कुछ कलर है। देखो जी मौसम कैसा होगा, आ गया बादल छा रहे, गरज भी रहे बादल, बारिश आने वाली हो रही, सुबह के जा रहे हैं। पहले कॉलेज का काम था, चलो कॉलेज का तो आधा हो गया, आधा फिर होगा
और उसके बाद हम लोग बैंक में गए। बैंक वालों ने ऐसा चक्कर बांध दिया तक कि काम करने में नहीं आ रहे। 3 बार ATM के लिए अप्लाई कर चुके लेकिन उनका एप्लीकेशन नहीं खोजा। बार बार आज फिर कर गए अप्लाई। और ये कहवा है उनका मारी थारे तो दुश्मनी थोड़ा ना है जो आज हमने चलो कुछ वो चीज़ थोड़ी अलग थी। और उसके बाद फिर हम लोग गए मार्केट में। सुबह गए थे हम 10 बजे और शाम होने वाली है वैसे, और मौसम खराब हो गया इसलिए हम जल्दी चले आए, नहीं तो शॉपिंग में लगी थी मैम साहब पता नहीं कितना टाइम लग जाता। शॉपिंग फिर भी कर ली बहुत, कुछ खाने का सामान ले लिया, कुछ पहनने का ले लिया, बाकी चल गए घरों दिखाओगे क्या क्या लाए। यहाँ तो हमने इसलिए रोकी थी कि बहुत बढ़िया मौसम हो रहा जंगलों के बीच में, मतलब खेत को हम जंगली कहें, वैसे तो जंगल का मतलब वन हुए लेकिन यहाँ खेतों के बीच में हम लोग रुके थे। कितना बढ़िया रास्ता, हरियाली सब तरफ, गन्ने के खेत हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ देखियो कितना बढ़िया लग रहा रास्ता और कितना बढ़िया लग रहा मौसम, फसलें लहरा रही, लोग आ रहे जा रहे, हवा चल रही। जब हम गए थे कितनी गर्मी थी, जब तो गर्मी थी बहुत, अब हालांकि हवा चल रही। और हवा वैसा अगर नहीं चले तो बढ़िया, नहीं तो जो बादल बन गए ना ये सारे उड़ जाएंगे, ये सब बादल निकल जाएंगे, बारिश नहीं होने की, हवा कम ही चलनी चाहिए। बारिश हो जावे तो गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल जाए हम लोगों को, गर्मी बहुत है। चले हाँ जी चलो, चल मुसाफिर तैयार करो गाड़ी अपनी, आज हमने चलते हुए नहीं बनाई बाइक को रोक कर तसल्ली तो थोड़ा सा तुम्हें बनाई भी बैठो। रेडी स्टडी गो। बालू शाही लाए बच्चों के लिए, निकाल लो इसमें प्लेट में, और बच्चों का मुंह मीठा करो भाई। थैंक यू पापा, मिठाई लाने के लिए, मिठाई लाने के लिए यार उसने थैंक यू बोला है। वेलकम पापा, थैंक यू आरुषि के पापा ही कहता है इसका जेट लगे थैंक यू आरुषि के पापा, बस इसे आदत पड़ रही। कभी कभी चाचा भी कह देते हैं, कभी पापा भी कह देते हैं थैंक यू पापा, पर कंफ्यूजन है ऐसा ज्यादा तन नहीं कहेगा थैंक यू आरुषि के पापा। दूध भी लाया बच्चों के लिए, बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे अमरूद लाया, देखो चुन चुन के छांट छांट के। बालू शाही भी है इसके साथ वेलकम बेटा। और जॉन सी में अलग अलग चप्पल पहननी थी ना, अभी पहननी बंद हो जाएगी। देखो दिखाइयो पैर करके, और देखो ये एक नीली और एक काली, निकाल कर दिखाओ पैर से, अब इन चप्पलों का भी पीछा छूट जाएगा। सॉलिड है ये, अभी टूटने का नहीं। चप्पल लाए हैं, ये तो तेरी चाची की बड़ी, तो देखिए एकदम ये सेम टू सेम है, ये आपकी मम्मी की, देखियो पहन के सही आम के थारे गुड्डू, ये खा के रख दे बेटा मक्खी का सही ना, ये तो गंदी ना करियो चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है इन दे दो। पापा जी ऑयल खाता छक लिया, कभी चाचा कभी पापा कभी आउसी के पापा, चाचा हाँ पापा हाँ चाचा पापा, कभी चाचा कहते हो कभी पापा कहते हो। क्या करूँ उसका, काट के दे दो, काट के पहले धो इसको, धो के काट के तब खाना। तो देखिए क्या क्या ले आए हैं हम, एक तो खाने के सामान में तो बच्चों के लिए क्या लाए थे, बालू शाही और अमरूद, और पहनने के लिए 2 जोड़ी चप्पल लाए, एक तो भाभी जी की ब्लू कलर वाली है और एक पिंक कलर वाली प्रीति की चप्पल है, मैं भी दिखाऊंगा अभी। और कुछ राखी लाए हैं हम त्यौहार के लिए, रक्षाबंधन है, दोनों बहनों के लिए हम सूट लाए हैं, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह के सूट लाए हैं। देखो अपनी मम्मी की चप्पल पहने घूम रही, किस तरह की चप्पल आई आपकी मम्मी की दिखाइयो, कैसी आई इधर आके दिखाओ, ये चप्पल आए हैं इसकी मम्मी के, और उसी पहने घूम रही है, अच्छा लग रहा आपको ऐसी चप्पल पहन के इतनी बड़ी बड़ी। ये तो डॉक्यूमेंट्स है प्रीति के, और बुक्स ले गए थे लाइब्रेरी में जमा करने के लिए लेकिन आज लाइब्रेरी नहीं खुली थी तो ये भी वापस आ गई। दिखाओ राखी, राखी लेके आओ, सबसे पहले आरुष की राखी, ये राखी लाए हैं आरुष के लिए। मम्मी आ रही मेरी पिताजी को, आपकी भी, आप ही तो भैया का, आप ही तो बंद हो गए आरुष के, आप सारी मिलकर आरुष के राखी बांधोगे और फिर आरुष को मिठाई खिलाओगे।
रक्षा बंधन है। कुछ ये वाली राखी लाए हैं दूसरी, कैसी लग रही? ये वाली भी अच्छी लग रही राखियाँ तो। हाँ जी अच्छी लग रही, जब तो आपकी राखी अच्छी लग रही। और दूसरे डब्बे में दो तरह की हैं, ये एक एक दर्जन, तीन तरह की, एक तरह की तो ये हैं और दूसरे तरह की ये हैं। देखो ये मुझे बहुत, ये तो आपको बहुत पसंद आएगी। ये अच्छी लगी। देखिए अब मेरी राखी यार, उसके लिए है। कैसी लगी आपको ये राखी? अच्छी। ये सिंपल सी, और सिंपल वाली भी लाए कुछ राखियाँ। और ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छी लगी राधा कृष्ण जी वाली, ये तो होम किया है, ये भी सुंदर लग रही राखी ऐसे, ये बहुत अच्छी लगी। ये देखिए राधा कृष्ण जी वाली है, राधा कृष्ण जी बने हुए हैं, बहुत सुंदर राखी, ये भी सुंदर लग रही है। ये तो रक्षाबंधन की अच्छी अच्छी है राखियाँ तो वैसे सारी। हाँ जी, कुछ हम सिंपल वाली भी लाए, हम सिंपल भी पसंद है हमें राखियाँ, ये वाली। ये दरअसल हाथ में ज्यादा दिन तक बंधी रहे, जल्दी इनकी डोरियाँ जल्दी खराब नहीं होती। और आप बच्ची इनकी बुआ जी, इनकी बुआ जी के लिए लाए हैं सूट, दोनों के लिए सूट लाए हैं हम दोनों। कलर अलग अलग हैं लेकिन डिजाइन और फैब्रिक दोनों का बढ़िया है, सेम है। फैब्रिक तो दोनों का सेम है, डिजाइन भी दोनों का सेम है, कलर अलग अलग हैं बस दोनों के। ये कपड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे, कंफर्टेबल लगा है। ग्रीन वाला अच्छा लगा था, हालांकि कई सारे सूट हमने वहाँ देखे पर ये दोनों अच्छे लग रहे थे। इनका कपड़ा भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इनका दोनों। और ये कलर भी यूनिक से है, अलग है, कलर थोड़ा अलग से हैं, लाल पीले हरे नीले तो बहुत पहन लिए, थोड़ा सा अलग रंग के लाए हैं कुछ इस बार। और इसकी बुआ जो दोनों बहुत सुंदर है, दोनों बढ़िया लग रहे हैं। हां अच्छा, क्या पूरे रंग पे अच्छे खिलेंगे। हां जी, एक पड़ी थी स्टैंप भर में एक चीज और हमारे दोनों लाइटर लाए हैं, बढ़िया नोवा का कंपनी का है, बढ़िया बताया वैसे तो दुकानदार ने कि अच्छा चलेगा। इसके बिना हम किचन में बहुत परेशान थे, माचिस जलानी पड़ गई थी दो लाइटर थे हमारे, दोनों खराब हो गए थे, नौबती आ गई थी, ये बार बार माचिस जलानी पड़ रही थी। एक माचिस एक दिन में खत्म हो जाती थी, माचिस जलाना अच्छा भी नहीं लगता, फ्री अभी फ्री रहती है नीचे, बाद में किचन में रसोई में गंदा लगा है, तो लाइटर जरूरी था, लाइटर दिया गया। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी शॉपिंग कैसी लगी है, तो थोड़ी सी पर फिर भी जैसी भी है तो तब तक के लिए ये थी हमारी आज की शॉपिंग, मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सबको हमारी राम।